हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रडिक्शन ड्रीम 11 में। जैसा कि आप जानते हैं, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच में कल बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जाना है। वेस्टइंडीज़ के लिए बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि अगर वेस्टइंडीज़ हार गया तो ये पहली बार होगा कि वेस्टइंडीज़ कोई वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। अगर स्कॉटलैंड जीत गया तो ये भी पहली बार होगा कि इतनी बड़ी बड़ी टीमों के बीच में से स्कॉटलैंड ने क्वालिफायर किया है। तो दोनों ही टीमों के लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों ही टीमें अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहेगी और हर हाल में मैच को जीतना चाहेगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मैं आपके लिए दो ड्रीम टीम लेके आया हूँ, एक जो होगी आपके स्मॉल लीग की और एक होगी ग्रैंड लीग की टीम। और हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों की प्लेइंग 11 की, क्या क्या चेंजेस दोनों की टीमों में हो सकते हैं, ग्राउंड की हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 की। ये मैच हरारे में खेला जाना है, जिम्बाब्वे में, और हमने हरारे की पिच देखी है कि मीडियम पेस बॉलर को सपोर्ट करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में मीडियम बॉलर लेना। यहाँ का एवरेज हाई स्कोर की बात को 217 रन रहता है और एवरेज लो स्कोर यहाँ पे रहता है 211 रनों का। आइए बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की। क्रिस गेल, लेविस आपको कल ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। शाई होप, सेमुल्स, हेटमायर, पोवेल, होल्डर। एक चेंज हो सकता है कि बिशू, हमने देखा था पिछले में ब्रेथ वेट की जगह बिशू को मौका दिया गया था लेकिन बहुत महंगे साबित हुए थे बिशू। तो ये एक चेंज हो सकता है कि वापस ब्रेथ वेट को बिशू की जगह मौका मिल सकता है। अगर ये एक्शन नहीं होता तो विलियमसन भी एक ऑप्शन है वेस्टइंडीज़ के पास, इनको भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये आपको, ये तीनों आपके लिए रिस्की होने वाले। आप ग्रैंड लीग में इन तीनों को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। नर्स, रोच और पोल, ये प्लेइंग 11 आपको कल के मैच में खेलती हुई नजर आ जाएंगी, अगर लास्ट टाइम में कोई इंजर्ड नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 की। क्रॉस, कोडजेर आप ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, मेलोड, बेरिंगटन, मुंशे। और ये एक चेंज हो सकता है कि वेलेंस की जगह जोन्स को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि हमने वेलेंस के पिछले 5 मैच देखे हैं, उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 45 रन बनाए हैं। तो इनकी जगह जोन्स को मौका दिया जा सकता है, बहुत ही कम चांस है लेकिन एक चेंज हो सकता है। आप लोग तो अपने रिस्क पे लेना। लेस्क, शरीफ, मार्क वट, क्रिस सोले और इवेंस, इन दोनों में से कोई एक खेलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। क्रिस सोले के ज़्यादा चांसेस है और वेल, ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर आ जाएगी कल के मैच में, अगर लास्ट टाइम में कोई इंजर्ड नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों में जो 11 खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबसे ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं, ये मैं आपके लिए कुछ अलग करता हूँ। होल्डर 341.5, शरीफ 223, मेलोड 200, बेरिंगटन 189.5, कोडजेर 175, लेविस 162.5, एटमाइट 152.5, शाई होप 151.5, क्रिस गेल 145.5, सेमुल्स 145.5 और क्रॉस 137.5। ये पॉइंट टेबल मेरा बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कौन प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और आप खुद से टीम बना सको। ये बात याद रखो कि आप खुद से टीम बना सको, इसीलिए मैं पॉइंट टेबल बनाता हूँ। किसी पर डिपेंड मत रहा करो पॉइंट टेबल को देख के, बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद से टीम बनाई करो। किसी की टीम की कॉपी मत किया करो, ना ही मेरी टीम की आप कॉपी किया करो। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। क्रिस गेल, लेविस, होल्डर, होल्डर को आप मिस मत करना, क्रॉस, बेरिंगटन और कोडजेर, ये 6 प्लेयर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस की। मुंशी, शरीफ, मार्कवट, सेमुल्स, नर्स और साइयोब, ये 6 प्लेयर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस में सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, कि कुछ हट के करना चाहते हो, तो ये 6 प्लेयर आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, आप किसी भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पिक, वेरी रिस्की प्लेयर, ब्रेथवेट, विलियम्स, जोन्स और ओइवेंस, ये 4 प्लेयर आपके लिए बहुत रिस्की होने वाले हैं। आप ग्रैंड लीग में इन्हें, इनके साथ आप जा सकते हो। अब बात करते हैं फाइनल, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो और कोई भी न्यूज़ डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको हर न्यूज़ का पता चल सके। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी न्यूज़ मुझसे पूछनी हो, किसी भी प्लेयर के बारे में, किसी भी टीम के बारे में, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक ही मुझे, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं, इतने नंबर हो गए मेरे पास कि मैं सेंड नहीं कर पा रहा हूँ सबको लिंक, तो आप, मैं हर मैच का वीडियो डालता हूँ तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो आप कर दिया करो। अब बात करते हैं टीम्स की जो मैंने आपके लिए बना रखी है। पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। आपके पास 2 ऑप्शन है विकेट कीपर सेक्शन के लिए, मैथ्यू क्रॉस और शाही होप। मैंने शाही होप को
अपनी टीम में पिक किया। आप मैच क्रॉस के साथ जा सकते हो, ओपनिंग करेंगे, लेकिन मैंने शाही हॉक को पिक किया क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन है। अब बैट्समैन सेक्शन की बात करूँ, मैं चार बैट्समैन लिए, काइक कोटेज, मेलोड, इवन लेविस और हेटमायर। इन चार बल्लेबाजों को मैंने पिक किया। ऑप्शन की बात करूँ तो क्रिस गेल आप एकदम सेफ ऑप्शन है, मुंशी एकदम सेफ ऑप्शन आपके लिए, जैसन मोहम्मद मौजूदा तरह खेलेंगे, पोवेल एकदम सेफ ऑप्शन है। 50-50 में दोनों का कहूँगा, वेलेंस और जोन्स का, इन दोनों में से कोई एक खेलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, मैंने तीन ऑलराउंडर का पिक किया, जैसन होल्डर, ब्रिंटन और शरीफ। ऑप्शन की बात करूँ सेवेंस एकदम सेफ ऑप्शन है, ब्रेथ वेट 50-50 एक खेल सकता है दोस्तों, ज़्यादा चांस ब्रेथ वेट के खेलने के, और माइकल लेस्क ये आपको कल के मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएगी। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, मैंने तीन बॉलर का पिक किया है, रोज, मार्क वुड और ब्रेड विल। ऑप्शन की बात करूँ तो इवन 50% है खेल सकते हैं, और नहीं भी तो आपके इसके साथ भी हो सकता है, नर्स आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। बीचू का भी 50-50 रहने वाला है, विलियमसन का सिर्फ 10% कहूँगा मैं, इनके 10% ही चांस है, लेकिन खेल सकते हैं, ग्रांड लीग के लिए आपके अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। विटिंग को मुझे लगता मौका दिया जाएगा, टॉम सोले आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, और क्रिस सोले को मुझे लगता मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन मैंने रखा है जो इन फॉर्म है जैसन होल्डर, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने जैसन होल्डर को कैप्टन रखा है, और वाइस कैप्टन मैंने रखा है बैरिंगटन से, बैरिंगटन को, ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में है और बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, ये मेरा फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है पहले टीम का। आप स्मॉल लीग में खेलना चाहो तो इस टीम के साथ खेल सकते हो, 90-95% ये कन्फर्म टीम है अगर लास्ट टाइम में कोई इंजर्ड नहीं हुआ तो। बाकी आपको मैं कहूँगा आप अपने, जो मैंने एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी तो आप अपने हिसाब से टीम बना लेना, मेरी सेम टीम के साथ मत जाना। अब बात करते हैं ग्रांड लीग की टीम की, इसमें देखिए मैंने शाई होप की जगह मिथ क्रॉस को विकेट कीपर में चूज़ किया, क्योंकि ग्रांड लीग की टीम में क्रिस गेल, मैकलोड, लेविस, मुंशे, एक ही मैंने ब्रेथ वेट को पिक किया है, 10% 20% 30% चांस है इनके खेलने के, लेकिन ये ग्रांड लीग की टीम में इसलिए इनको पिक किया, जैसन होल्डर को मिस नहीं करना चाहूँगा किसी भी टीम में। शरीफ को मैंने लिया है, रोच, नर्स और पॉल को। अब देखिए मैंने तीनों जो बॉलर लिए हैं वो वेस्टइंडीज़ के, मैंने तीनों बॉलर लिए हैं, दो ऑलराउंडर मैंने वेस्टइंडीज़ के लिए और दो मैंने ओपनर वेस्टइंडीज़ के लिए हैं। तो दोस्तों ये टीम आप बनाओ तो अपने रिस्क पे बनाना, जैसे मैं अपने रिस्क पे इस टीम के साथ खेल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टीम में चेंज कर लेना। इस टीम में मैंने कैप्टन रखा है क्रिस गेल को और वाइस कैप्टन मैंने रखा है इवन लेविस को। आप एक से ज़्यादा टीम में बनाओ तो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर लेना, फिर मुझे मत बोलना, और अगर आप प्लेयर चेंज करना चाहो तो प्लेयर भी चेंज कर लेना। और मैंने पॉइंट टेबल आपको समझा दिया है, ग्रांड लीग को कैसे विन करना है वो आपको मैंने पॉइंट टेबल के साथ बता दिया है, एक एक पॉइंट एक एक प्लेयर का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, ताकि आप विन कर सको। जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए करता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन बॉक्स चेक करते रहा करो हमेशा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल देता हूँ तो आपको वो पता चल जाएगी, क्योंकि सबको मैं मैसेज में सेंड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे मैसेज सेंड करने में। और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। अगर मेरा नोटिफिकेशन ना पहुंचे आप तक तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो, मैं हर वीडियो अपलोड वहाँ पे करता हूँ। और दोस्तों फाइनल बात यही है कि ड्रीम 11 को आप टाइम पास के लिए खेलें, अपना काम है जो पहले करें, और अगर आप अपने फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रेडिक्शन ड्रीम 11 के नाम से मैंने बनाया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी न्यूज़ पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, कोई भी प्लेयर के बारे में या किसी भी मैच के बारे में। और फाइनल बात यही है कि ख्याल रखना अपना और अपने फैमिली का दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, धन्यवाद।